आप सभी को मेरे नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो हम पहले आज का सेशन जो है हमारा जनरल टेस्ट का उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में लास्ट में आपको मैं कुछ बातें जो करना चाहता हूँ या कुछ बातें बताना चाहता हूँ वो हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ नए स्टूडेंट हैं तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर दीजिए। ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी अपडेट्स हैं वहाँ पर मिलेंगे, जो भी स्टडी मटेरियल है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी अपडेट्स हैं, अपडेट्स किस चीज़ के कि कब टेस्ट होगा, कब वाइस ऐप पर टेस्ट होगा, वाइस ऐप के ऊपर आपको हम CUET से रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं, टेस्ट होने वाले हैं या आगे करवाए जाएंगे वो सभी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर दीजिएगा, वाइस ऐप को भी ज्वाइन कर दीजिएगा। BA और BCOM के लिए दोनों के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग से बनाई हुई है, ठीक है। BCOM के टेस्ट भी जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं पहले, ठीक है। टॉप 20 MCQs हैं किसके लिए, आपके CUET के स्पेशली कहें तो जनरल टेस्ट के लिए ही आपके। इसके अंदर लैंग्वेज भी मिलेगी आपको, रीजनिंग वगैरह और GK और करंट अफेयर्स, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि वंदे भारत मिशन किस चीज़ से संबंधित है। वंदे भारत मिशन इज़ एसोसिएटेड विद वट, ठीक है। तो देखिए, वंदे भारत मिशन जो था, वंदे भारत, वैसे तो ये जो अकेला वंदे भारत दिया है ये तो है ट्रेन का नाम, लेकिन यहाँ पर ट्रेन से मतलब नहीं है। यहाँ पर ये जो मिशन या फिर कहें कि एक तरह का ऑपरेशन था, ये किस चीज़ से रिलेटेड था। जब कोविड को पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था WHO के द्वारा 2020 में, उसके बाद में जब हर तरह से मतलब लॉकडाउन लगने शुरू हो गए थे देश और विदेश, मतलब भारत के अलावा और बाहर के देशों में, तो जो भी भारतीय बाहर फंसे हुए थे, बाहर के देशों में फंसे हुए थे, कुछ काम करने गए हुए थे या फिर कुछ घूमने गए हुए थे, कुछ पढ़ाई के लिए गए हुए थे, तो ये सभी जो चीज़ें थी, मतलब जो भी सिविलियन थे इंडिया के, वो जो बाहर के देशों में फंसे हुए थे कोविड के टाइम पर, उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, यानी उनको वहाँ से निकाला गया और इंडिया वापस लाया गया। तो ये जो मिशन था ये वंदे भारत मिशन, इसको नाम दिया गया था। इसकी खास बातें बहुत सारी हैं। एक खास बात ये है इसकी कि ये भारत में जो भारतीय सरकार के द्वारा चलाए गए जितने भी इवैक्यूएशन के ऑपरेशन हैं, सबसे बड़े लेवल पर जो ऑपरेशन था वो वंदे भारत मिशन बन चुका है। इससे पहले कुछ और भी ऑपरेशंस हैं, उनके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। मेनली अगर बात करें तो जब 1990 की दशक की बात करें हम, तो जो गल्फ कंट्रीज़ में जो वार चल रहे थे या फिर वहाँ की जो सिचुएशन थी, उस टाइम पे लार्जेस्ट जो इवैक्यूएशन हुआ था इंडिया के द्वारा वो लगभग जो था 2.25 लाख के करीब था, ठीक है। 2.25 लाख व्यक्तियों को जो है मतलब वहाँ से निकाला गया था। तो ये वंदे भारत मिशन से पहले वो भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा है इवैक्यूएशन का। इसके बाद में वंदे भारत आया, इसके अंतर्गत प्रॉपर आंकड़ा मैं नहीं बता सकता आपको, 30 से 40 लाख जो सिविलियंस हैं भारत के, उनको वापस यहाँ पे लाया गया। तो वंदे भारत मिशन आपको याद रखना है, कोविड के टाइम पर जो ऑपरेशन चलाए गए थे लोगों को लाने के लिए, वो वंदे भारत मिशन था। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा जो हाल ही में न्यूज़ में था, वो किस चीज़ से संबंधित है। तो ऑपरेशन गंगा जो था ये रूस और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बीच में, जो यूक्रेन में फंसे हुए थे इंडियंस, यानी इंडिया के जो सिविलियंस थे, ठीक है, तो उनको वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए जो भारत के द्वारा इवैक्यूएशन का प्रोग्राम चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया या मिशन कहें, तो उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन गंगा हाल ही में न्यूज़ में था, इसलिए ऑपरेशन गंगा आपको पूछा जा सकता है। और इसके अलावा वंदे भारत की मैंने आपको बात बताई है कि कोविड के टाइम का 2020 की बात है ये, ठीक है। चलिए आगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशंस और ये वगैरह मिशन जो है आपको दिखेंगे, वो हम जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिपीट होंगे, तो वो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी जब आप उन चीज़ों को अलग अलग जगह पे देखोगे। जैसे आज यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया, कल आपको कहीं पे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या कोई स्ट्रेटेजी जीके का क्वेश्चन कर रहे हो, वहाँ पे जब वो चीज़ें आपको दिखेंगी ना, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि वेन डिड WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड को एज अ पेंडेमिक कब कह सकते कि डिक्लेयर किया या फिर घोषित कर दिया कि हाँ ये जो कोविड नाम की बीमारी सामने आई है ये क्या है, ये एक पेंडेमिक है, महामारी है। एक बड़े स्तर पर जब कोई बीमारी फैलती है, पूरे मतलब बड़े लेवल पर फैलती है, तो उसे हम कह देते हैं कि ये एक पेंडेमिक है। तो WHO के द्वारा जो कोविड को यानी कोरोना वायरस जो था उसको पेंडेमिक घोषित किया गया था, कब किया गया था, मार्च 2022 में। देखिए, कोविड के रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें आपको अब हमेशा याद रखनी होगी, ठीक है, मतलब ये ऐड हो चुका है आपके सिलेबस में, तो क्या है कि पहला केस कब आया था, अगर टाइमिंग की बात की जाए क्रोनोलॉजिकली, तो पहला केस जो मतलब पता चला था कि हाँ ये कोरोना नाम का वायरस जो है हमें मिला है दुनिया में, तो वो था दिसंबर 2019 में। इसके बाद में जनवरी 2020 में जो है WHO ने इस जो वायरस था उसका मतलब अलग अलग तरह की रिसर्चेज हुई, तो उसको एक नाम दे दिया गया, SARS-CoV-2 इस तरह से नाम है उसका, ठीक है। और कोविड की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कोरोना वायरस डिसीज़, इस तरह से आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। 2019 के लिए उसको COVID-19 बोला जाता है। तो दिसंबर में केस सामने आया 2019 में, 2020 में जनवरी में इन्होंने इसको नामकरण कर दिया, और मार्च के अंदर आकर WHO ने इसको एज अ पेंडेमिक घोषित कर दिया कि ये एक बहुत बड़ी महामारी है जो कि विश्वभर में फैल रही है, ठीक है। एमरजेंसी की सिचुएशन में इसको अनाउंस कर दिया गया था WHO के द्वारा। WHO से रिलेटेड आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है वो WHO की स्थापना के दिन ही मनाया जाता है। वो क्वेश्चन आगे ऐड किया, आपको देखते हैं। चलिए आगे, इसके अलावा आज मैंने पॉलिसीज़, स्कीम्स,
और कुछ जो डेज हमने ऑब्जर्व करते हैं वो सभी चीज़ें जो है यहाँ पर ज़्यादा मैंने इंक्लूड की हुई है, तो आप देखते जाइए क्विकली हम इसको आगे करते हैं। कुछ सबसे पहला है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये जो स्कीम है या फिर योजना है या फिर एक तरह की सुविधा कह सकते हैं मेक इन इंडिया, ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है कब लॉन्च किया गया था ये पूछा जा रहा है। देखिए मेक इन इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया भारत की सरकार के द्वारा एक तरह का कह सकते हैं कि स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर जो है जितने भी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के, तो उनको बढ़ावा देना, किस चीज़ के लिए बढ़ावा देना, कि वो देश के अंदर ही जो है प्रोडक्शन करें और उसको सेल्स करें और जो भी उसकी डेवलपमेंट वगैरह होनी है प्रोडक्ट्स की वो देश के अंदर की जाए। तो इस चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया जो है स्लोगन जो है ट्रेंडिंग में रहा, और ये आप लोगों को अब हर जगह देख लेते हैं। मेक इन इंडिया सरकार की तरफ से भी जो भी रक्षा के क्षेत्र में या जो भी चीज़ें हैं उन सभी में कह रहे हैं कि भारत के अंदर ही चीज़ें बनाई जाएं, ताकि भारत की जो निर्भरता है हमारी दूसरे देशों पर वो कम हो जाए, ठीक है। तो मेक इन इंडिया जो है आपको याद रखना है, डेट आपको बताई जाए तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया था 2014 में, ये आपको याद रखना है, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये इसका लोगो है। चलिए आगे, इसके अलावा एक और स्कीम है उड़ान, UDAN, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, ये स्कीम रिलेटेड है सिविल एविएशन से, यानी जो नागरिक हैं भारत के वो हवाई यात्रा उनको सुलभ हो, ठीक है, सुलभ होने का मतलब वो इजीली एक्सेस कर पाएँ हवाई यात्राओं को, एयरप्लेन की मतलब वो भी सवारी कर पाएँ, सस्ता हो पाए, यहाँ पे ये सभी चीज़ें देखी गई है कि ये इस तरह की स्कीम है, ठीक है, 2017 में लॉन्च हुई थी, और अफोर्डेबल बनाना ये सबसे जो मेन मोटिव इसका उड़ान स्कीम था, कि जो एयर फ्लाइट्स हैं यानी हवाई यात्राएं हैं हमारी जो, उस चीज़ को अफोर्डेबल बनाया जाए, तो इस चीज़ के लिए जो है उड़ान नाम की ये स्कीम लॉन्च की गई थी। उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म है, और इसके अंतर्गत जो उड़ान RCS लिखा हुआ आपको दिखेगा, RCS का मतलब है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसके अंदर क्या है कि भारत के अंदर ही अलग अलग राज्यों के बीच में जो हवाई यात्राएं हैं उनको सुलभ बनाना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत चल रहा है, ठीक है। अभी ये उड़ान को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उड़ान जो ये प्रोग्राम है इसको PM अवार्ड का पूरा नाम है PM's अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, PM's अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का ये जो अवार्ड है, यानी जो पब्लिक की सेवा में कोई ऐसी स्कीम हो उसको, जो पब्लिक के लिए कोई बड़ा कार्य किया हो, अच्छा कार्य किया हो, तो उसको जो है अवार्ड दिया गया है अभी, ठीक है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि PM's अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको दिया गया है, किस स्कीम को दिया गया है, तो उड़ान स्कीम आपको याद रखना है, इस वजह से ये न्यूज़ में था और इस वजह से आपको सारी चीज़ें इसकी बता दी गई है। डेट आप याद रखिएगा 2017 अप्रैल 2017 जो है स्टार्ट हुई थी पहली फ्लाइट इसकी, और इतना काफ़ी आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे, डिजिटल इंडिया मिशन नेक्स्ट स्कीम है, या फिर कहें कि एक तरह का मिशन है, या फिर कहें कि एक तरह का प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है डिजिटल इंडिया मिशन। आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ है, डिजिटल इंडिया किस चीज़ को रेफ़र करता है, कि भारत के अंदर जो भी मतलब चीज़ें हैं उनको डिजिटलाइज़ करना, उनको तकनीकी मामले में आगे लाना, ठीक है, और डिजिटलाइजेशन अभी कोविड के एरा में बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पर हमें देखने को मिला है हर क्षेत्र में, ठीक है, चाहे वो कोई सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हर चीज़ में हमको डिजिटलाइजेशन देखने को मिला है। तो डिजिटल इंडिया मिशन का मेन मकसद यही था, इसका मोटो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है पावर टू एम्पावर, ये डिजिटल इंडिया मिशन का जो है मोटो है, ठीक है। और डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में और बात की जाए तो ये लॉन्च कब हुआ था आपको याद रखना है, 2015 में लॉन्च हुआ था। हर स्कीम को एक बार नोट कर लीजिएगा, जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आप एक बार नोट करते जाइएगा, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन की बात की है, 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा मैंने आपको याद हो अगर आपको, तो चैनल के ऊपर मैंने आपको एक मैसेज लिखा था बहुत बड़ा, वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था कि NTA जो पेपर करवाएगा आपका, तो वो सीधा कोई एक चीज़ नहीं पूछ सकता, वो उसकी गहराई में भी चला जाता है, कोई मतलब ताज्जुब की बात नहीं है अगर वो गहराई में कोई अटपटा क्वेश्चन भी पूछ ले तो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको बस अपना प्रिपेयर रहना है, आपको अपना बेस्ट देना है, आगे जो होगा वो तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। तो NTA का मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चंस बनाएगा डिजिटल इंडिया मिशन, अपनों को अपनों ने इतना पढ़ा कि हाँ भैया एक डिजिटल इंडिया मिशन नाम से प्रोग्राम है 2015 में लॉन्च हुआ था, इतना पता है हमें। अब वो पूछेगा कि भैया ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी सरकार के अंदर जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है अलग अलग चीज़ की, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, कोई रूरल डेवलपमेंट की है, कोई कानून की कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री है, लॉ इंप्लीमेंटेशन की, स्पोर्ट्स की, है ना, तो उस चीज़ की ही डिजिटल इंडिया मिशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इस तरह से अभी हर क्वेश्चन को आपको उस एंगल से भी देखना होगा कि अभी तक हमने जो स्कीम्स पढ़ी थी, जैसे हम मान लीजिए कोई पेंशन की या कुछ फाइनेंशियल चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, आपको ज़्यादातर चीज़ें ऐसे, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आ जाएगी। हमने पीछे क्या पढ़ा था, उड़ान स्कीम पढ़ी थी, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो भी यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम भी आपको याद रखना है, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी जो है अभी हमारे जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उसके मुख्य जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है वो है, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिनिस्ट्री की मिशन की बात की थी, तो ये जो है
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी विद्युत एवं जनसंचार जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया मिशन इंप्लीमेंट होता है। इसके अलावा कुछ बुक्स मैंने ऐड की गई है, बुक का नेम है दी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। हाल ही में दी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की जो बुक है ये लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, नाम है इनका आपने जरूर सुना होगा, रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा, RC गुहा। इनकी पहले भी काफ़ी सारी बुक्स के ऊपर जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, और अपने टेस्ट के अंदर भी हमने एक क्वेश्चन किया था गांधी आफ्टर इंडिया वाला, गांधी आफ्टर इंडिया ये बुक का टाइटल है, ये भी रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो अभी इनकी हाल ही में जो बुक लॉन्च हुई है उसका नाम है दी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बुक है, अभी हाल ही में लॉन्च नहीं हुई है, ये पहले की लॉन्च हुई है, और इस बुक का नाम है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक तरह की बुक का टाइटल है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है ये पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, इनका नाम है, ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं पहले भी हमने काफ़ी बार जिक्र किया है, नाम है इनका दलाई लामा नाम के ये जो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है आवर ओनली होम क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो कुछ इन्वायरमेंट से संबंधित है जो है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या इस बुक में मेंशन की गई है। ठीक है, दलाई लामा की हमने पहले भी और काफ़ी बुक्स पढ़ी थी, बुक्स के टाइटल देखे थे हमने, अ लिटल बुक ऑफ हैप्पीनेस, इस तरह से अ लिटल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये सभी जो चीज़ें हमने पहले करी थी। इसमें जो है आपके क्या नाम है उनका, रस्किन बॉन्ड है ना, रस्किन बॉन्ड की बुक थी, उसके बीच में अ लिटल बुक ऑफ इंडिया 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे जो है आपके रस्किन बॉन्ड ने अ लिटल बुक ऑफ इंडिया लॉन्च की थी। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, दी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा। इसके अलावा रामचंद्र गुहा की और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, दी इंडिया आफ्टर गांधी या फिर अकेला गांधी नाम से भी इनकी एक बुक है, अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। ठीक है, और दलाई लामा की ये बात कर ली। अब कुछ डेज़ की बात करते हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला मैं पूछूंगा आपसे कि नेशनल यूथ डे, देखिए हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, भारत के अंदर ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मतलब भारत की सरकार ने घोषित किया हुआ है, और ये मनाया जाता है कब, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जो होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है मतलब उनकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो स्वामी विवेकानंद जी है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। ठीक है, यानी स्वामी विवेकानंद जी के हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ावा देने के लिए, उनके जो मॉरल वैल्यूज़ थी उनको आगे देश के युवा तक पहुंचाने के लिए ये सभी चीज़ें जो है इंप्लीमेंट की जाती है। डेट आप जरूर याद रखिएगा, 12 जनवरी। ठीक है, और विवेकानंद जी के बारे में और कुछ जानना है तो ये है कि फेमस जो चीज़ें हैं इनके बारे में, एक तो ये कि शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था, यानी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, इस तरह का कुछ एक टाइटल दिया जाता है, धर्म एक तरह की मतलब स्पीच दी थी उन्होंने शिकागो की पार्लियामेंट में। ठीक है, 1893 में जो है इन्होंने एक स्पीच दी थी शिकागो में धर्म के ऊपर, और उस चीज़ के लिए उस वजह से जो है हमारा मतलब जो इंडिया का कह सकते हैं कि कल्चर है या फिर जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ है वो स्प्रेड की थी इन्होंने बाहर तक। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1893 में शिकागो की स्पीच दी थी, और नेशनल यूथ डे जो हम भारत की सरकार ऑब्जर्व कर रही है ये कर दी है 1985 से। ठीक है, चलिए आगे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, कब, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अभी हमारे अगर पेपर में आता है तो वो क्या आएगा, 10 दिसंबर, यानी कहने का ह्यूमन राइट्स डे जो 2021 में मनाया गया है उससे रिलेटेड कोई चीज़ें पूछी जा सकती है। पहली बात तो यही है कि हमें डेट याद होनी चाहिए कि भैया कब यूथ डे मनाया जाता है या कब ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है या कब और डेज जो भी हैं वो मनाए जाते हैं। तो इसे याद करने का एक ही तरीका है कि आप ऑब्जर्व करिए कि अगर आप पिछले एक या दो महीनों से अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आपने करंट अफेयर्स किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि हाँ ये डेली लाइफ में जब हमारे आसपास आते हैं तो इससे रिलेटेड और न्यूज़ देखने को मिलती है। जब ऐसा होता है मतलब और न्यूज़ का मतलब और चीज़ें उससे रिलेटेड देखने को मिलती हैं, जब ऐसा होता है तो आपकी जो है मतलब वो चीज़ें छप जाती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका एक बार पढ़ा हुआ चीज़ आपको बार बार देखने को मिलेगी तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स डे की बात की जा रही है, 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। थीम इसकी क्या है 2021 में, इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज़, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, ये इसकी थीम थी। थीम स्पेसिफिकली आजकल पूछ ली जाती है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे, वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, एड्स, विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या इसकी थी, एंड इनइक्वलिटीज़ एंड एड्स। ठीक है, एड्स जो एक तरह की बीमारी है, एक तरह का डिसीज़ है, काफ़ी फैटल डिसीज़ तो नहीं कह सकते इसको। ठीक है, तो एड्स से रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में पैदा करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ये सभी जो है वर्ल्ड WHO के द्वारा जो है वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर। ठीक है, चलिए आगे, इसके अलावा वर्ल्ड कैंसर डे, कैंसर को हिंदी में मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, कर्क, या देख लीजिएगा जो भी कहते हैं। तो विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे, ये डेट आपको याद रखनी है, 4th February, हर साल 4 फरवरी का जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और थीम की बात करें 2022 में जो मतलब इस साल जो हमारी थीम है वो क्या है,
थीम है क्लोज द केयर गैप, ये इसकी थीम है। देखिए थीम क्या होती है, एक कह सकते हैं कि एक तरह का स्लोगन रख लिया जाता है किसी स्पेसिफिक ईयर के लिए, हर साल वो चेंज करते रहते हैं, या सेम भी रख सकते हैं, कोई उसमें कोई वो नहीं है कि कंडीशन नहीं है कि चेंज करना ही करना है, ठीक है। तो थीम इसलिए रखी जाती है कि हर साल कुछ नया ट्रेंडिंग है। अगर अपने वुमेंस डे की बात करते हैं, ठीक है, तो जब तक कोविड नहीं था तब तक वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन ये वुमेन वो, उस चीज़ की बात करते हैं। जब कोविड आया तो जैसे ही कंडीशन बदली तो उस तरह से हमें जो स्लोगन देना था, हमारे नए कुछ टारगेट सेट कर लेते हैं, है ना। तो वुमेन इस जो लास्ट ईयर जो थीम थी उसकी वुमेंस डे की, वो क्या थी कि इक्वलिटी ऑफ वुमेन इन पोस्ट कोविड, यानी कोविड है, कोविड के बाद भी जो है औरतों को जो उनके अधिकार वगैरह हैं उन सब चीज़ों को लेकर। तो थीम का मतलब यही है कि हर साल कुछ ना कुछ जो चेंजिंग होती रहती है, कुछ नए इनिशिएटिव स्टार्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए है। तो अभी के लिए वर्ल्ड कैंसर डे की जो थीम थी 2022 में वो थी क्लोज द केयर गैप, ठीक है। थीम आप एक एक या दो दो बार भी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी, और एक दो बार पढ़ने के बाद आप टेस्ट में जरूर अपीयर करिएगा, ठीक है। WhatsApp पर जो मैं टेस्ट कराऊंगा, मैं कह रहा हूँ आपके करंट अफेयर्स जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम के रिलेटेड होने चाहिए, आपको दिख जाने चाहिए उसमें, वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, उसके आप टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे, एक और है डे, वो है वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस। ये कब मनाया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो डेट है 22 अप्रैल। आपको याद होगा अगर आप पढ़ रहे हो तो 22 मार्च को क्या मनाया गया था, क्या मनाया गया था, वर्ल्ड वाटर डे यानी जल दिवस। उसी दिन मैंने आपको जो है करंट अफेयर वाले चैनल पे आपको मैंने कमेंट कर दिया था वर्ल्ड अर्थ डे वाले मैसेज के नीचे कि 22 अप्रैल और 22 मार्च दोनों याद रखना, क्योंकि 22 मार्च को वाटर डे है और 22 अप्रैल को जो है क्या है, पृथ्वी दिवस है यानी अर्थ डे है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, तारीख 22 अप्रैल, ठीक है। और इस साल यानी 2022 की, यानी एक दो दिन बाद जब ये डे आ जाएगा 22 अप्रैल, तो इसकी थीम क्या होगी 2022 में, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। और 2021 में इसकी थीम क्या थी, रिस्टोर अवर अर्थ, ठीक है, रिस्टोर अवर अर्थ। इस तरह की ये जो थीम थी 2021 में थी, 2022 में ये होगी, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटर डे याद रखिएगा। ये जो चीज़ें हैं ना अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, वर्ल्ड अर्थ डे ये तो फिक्स है ही, और आजकल तो कुछ अलग अलग तरह के डेज पूछ लिए जाते हैं, और कुछ डेज जैसे नए ऐड किए जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जैसे इस साल इस्लामोफोबिया इस तरह से करके एक डे स्टार्ट किया गया था, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये सब हो गया, वर्ल्ड अर्थ डे, कैंसर डे और वर्ल्ड हेल्थ डे मैं आपको बता रहा था, WHO वाला, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, और इस साल इसकी थीम क्या थी, अवर प्लैनेट अवर अर्थ अवर हेल्थ, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा और, ओलंपिक्स की बात की जा रही है, कि पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ओलंपिक गेम्स यानी पहले जो ओलंपिक्स, सबसे पहला एडिशन जो ओलंपिक गेम्स का हुआ था वो कब हुआ था या कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो भैया साल तो है 1896 यानी 1896 में पहली बार जो है ओलंपिक गेम हेल्ड हुए थे, ठीक है, स्टार्ट हुए थे। और कहाँ हुए थे, तो जगह का नाम है एथेंस। एथेंस क्या है, ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस हिंदी में क्या, ग्रीस को ग्रीस ही कहते हैं क्या या यूनान कहते हैं, देख लीजिएगा, ग्रीस देश है और इसकी राजधानी एथेंस है, ठीक है। एथेंस में पहली बार जो है ओलंपिक गेम्स खेले गए थे 1896 में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पहली बार में क्या हुआ था, 12 देश थे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट थे, और शायद 7 या 8 तरह के जो है स्पोर्ट्स इसमें इन्वॉल्व किए गए थे, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, ओलंपिक गेम्स का मॉडर्नाइजेशन होता गया, और आज आपके सामने ही है हर तरह के, इसमें लगभग दो सभी देश लगभग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अब ओलंपिक्स गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ये जो भी बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो गेम्स होती है, कितना बढ़ावा देती है ये गेम्स को, स्पोर्ट्स को, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ओलंपिक की भी बात करें तो इंडिया का पूछ लिया जाए अगर हमसे कि इंडिया पहली बार कब गया था ओलंपिक गेम्स में, तो पहली बार तो ये गया था 1900 में पहली बार इंडिया ने जो है पार्टिसिपेट किया था। अगर गोल्ड की बात की जाए, ठीक है, इसके लिए ना मैं आपको एक अलग से PDF दे दूंगा ओलंपिक से रिलेटेड, क्योंकि ओलंपिक वाला टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में विंटर ओलंपिक हुए हैं, इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, तो सभी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है पेंडिंग है, और वो सभी पेंडिंग चीज़ें मैं आपको एक PDF के अंदर अवेलेबल करूँगा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इंडिया ने 1928 के अंदर हॉकी में गोल्ड जीता था। इसके अलावा जो इंडिया की तरफ से पहला ऐसा व्यक्ति जिसको, मतलब एक इंडिविजुअल होता है ना व्यक्ति, कि एक व्यक्ति को ही गोल्ड मिलता है, एक होता है कि आप अगर हॉकी या इस तरह का कोई गेम है उसमें तो टीम हो गई, उस टीम को गोल्ड मिला, और जो एक ही मतलब व्यक्ति होता है, पार्टिसिपेंट होता है, उसको जब मिलता है ना तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल गोल्ड, ठीक है। तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो मिला था भारत को, वो पहला मिला था किसको, उनका नाम है बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, शूटिंग में इनको जो है मिला था। तो ये स्टैटिक जीके में नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कंपिटेटिव एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि पहला व्यक्तिगत तो गोल्ड मेडल किसे मिला था, तो भैया अभिनव बिंद्रा को मिला था, ठीक है, शूटिंग में मिला था, शूटिंग इनका स्पोर्ट्स याद रखिएगा। और अभी जैसे नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स में मिले थे इनको, ठीक है, तो इनको जो अभी गोल्ड मिला तो ये भी क्या है, एक तरह का इंडिविजुअल है, ठीक है। चलिए आगे, रानी रामपाल की बात की जा रही है। रानी रामपाल न्यूज़ में थे अभी, इस वजह से रानी रामपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन तो सिंपल ही है कि रानी रामपाल किस चीज़ से संबंधित है, ये पूछा गया। तो रानी रामपाल जो है हॉकी स्पोर्ट्स जो है उससे संबंधित है, ठीक है। इनके बारे में कुछ और बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। न्यूज़ ये थी कि मैं बताना चाह रहा था कि अभी पद्मश्री 2020, ठीक है, 21 नहीं 2020 में जो पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे
उनमें एक रानी रामपाल भी थी। रानी रामपाल ने भारत की तरफ से एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, और इनकी उम्र अभी महज 26 या 27 साल की है, ठीक है। और वर्ल्ड कप 2010 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उसके अंदर इन्होंने भारत की तरफ से भाग लिया था, और ये उस टाइम यंगेस्ट प्लेयर थी। यहाँ पे लिखा हुआ है शी वॉज द यंगेस्ट प्लेयर इन द नेशनल टीम इन 2010, ठीक है। तो रानी रामपाल आपको याद रखना है, हॉकी से रिलेटेड है। इनको जो अवार्ड मिले हुए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है। चलिए आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है जीके का, इसके बाद में तीन चार जो है ईडीएम और फ्रेजेस है वो मैं आपको क्विकली बता दूंगा। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इसराइल। इसराइल फिर से न्यूज़ में है, पिछले साल भी न्यूज़ में था, अभी वापस न्यूज़ में है। बहुत सारे रीज़न है न्यूज़ में होने के, लेकिन अभी हमें जो देखना है वो ये है कि इसराइल की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है वहाँ की। जिस जैसे इंडिया में रुपया होता है ना, उस तरह से इसराइल की करेंसी जो है उसका नाम है शेकल, ठीक है। हिंदी में लिखोगे शेकल, इसराइली शेकल, ये इसकी राजधानी है। इसके अलावा सॉरी करेंसी है, और राजधानी की बात करें तो राजधानी है यरूशलम कहते हैं, जेरूशलम कह लीजिए, जिस मर्जी तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, ठीक है। जेरूशलम इसकी राजधानी है, शेकल इसकी करेंसी है। इसके अलावा इसराइल अभी न्यूज़ में था, बहुत सारे कारण है। एक कारण ये है कि इन्होंने आयरन बीम नाम का एक नया कह सकते हैं कि मिलिट्री इक्विपमेंट जो है यूज़ किया है। आयरन बीम क्या है, एक तरह का डिवाइस जिससे कि लेज़र निकलती है, और ये जो भी उड़ने वाले कह सकते हैं कि ड्रोन होते हैं, अगर कोई हमला कर रहा है ड्रोन से, या फिर छोटे तरह के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आयरन बीम नाम का एक नया इक्विपमेंट जो है ऐसा इसको लॉन्च कर दिया है, यानी इसको टेस्ट कर लिया है सक्सेसफुली। तो ऐसा पहला देश बन गया करने वाला आयरन बीम, ठीक है। इससे पहले पिछले साल न्यूज़ में था आयरन डोम की वजह से, आयरन डोम ये भी इनके पास एक तरह का इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट जो कि रडार वगैरह के माध्यम से जो है ट्रेस कर लेता है कि कोई अगर आ रहा है आसपास से, ठीक है, दुश्मन वाला, तो उसको जो है टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन बीम, आयरन डोम, जेरूसलम, शेकल, सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये हैं इसराइल के प्रधानमंत्री, नाम है इनका नफ्ताली बेनेट, ठीक है। चलिए आगे, और गाज़ा स्ट्रिप जो है इसराइल के मैप में आप देखोगे, जब ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। गाज़ा स्ट्रिप जो है इसराइल के अंदर, मतलब इसराइल की टेरिटरी के अंदर एक हिस्सा है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं होता है इसराइल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कह सकते हैं कि कारण अभी पेंडिंग है, और इनके बीच में जो है युद्ध चलता रहता है, कभी यहाँ से अटैक हो जाता है, कभी इसराइल कर देता है। और अभी भी अल अक्सा मॉस्क नाम से जो है वहाँ की एक मस्जिद में इसराइल के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने कह सकते हैं कि खदेड़ा था लोगों को, सिविलियंस थे हालांकि वो, बाकी उसके बारे में हम और बात नहीं करेंगे। नाम आपको याद रखना है नफ्ताली बेनेट, कौन है, प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के हैं, इसराइल के हैं, ठीक है। राजधानी, करेंसी और बाकी सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब चलते हैं इंग्लिश की, और इंग्लिश के चार पांच ईडियम्स जो है यहाँ पे डाले गए हैं। पहला ईडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, पहले भी किया हुआ है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है हिंदी में, अगर मैं सीधा सा कहूँ, फसाद की जड़, ठीक है। अगर कोई एक व्यक्ति किन्हीं दो व्यक्ति के बीच में किसी तरह की लड़ाई का कारण है, या फिर किसी कोई गलत काम हुआ है उसका कारण है, तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी फसाद की जड़, यानी मेन रीज़न जो है, मेन कॉज जो है वो ये है, ठीक है। इसके अलावा एप्पल ऑफ वन साइज़, ये भी पहले किया है। एप्पल ऑफ वन साइज़ का मतलब हिंदी में सीधा कहें तो आंखों का तारा, ठीक है, यानी जो कि बिलव्ड होते हैं, किसी के प्यारे होते हैं, लाड़ करते हैं, किसको प्यार करते हैं, चाहते हैं, ठीक है, जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों को चाहते हैं उस तरह से, तो कह सकते हैं कि ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर साइज, ठीक है। चलिए आगे, इसके अलावा एक और फ्रेज़ है टू पुट द हॉर्सेज बिफोर द कार्ट, ठीक है। देखिए, एक होता है घोड़ा और पीछे होती है गाड़ी, अगर आप गाड़ी को आगे लगा देते हैं और घोड़े को पीछे लगा देते हैं तो वो चीज़ जो है गलत हो जाएगी। तो यानी कहने का जो ऑर्डर है, इनका सीक्वेंस है, वो आपने गलत कर दिया, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि टू पुट द हॉर्सेज बिफोर द कार्ट, समय को जो है व्यवस्थित ढंग सॉरी कार्य को जो है किसी काम को व्यवस्थित ढंग से नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं कि पुट द हॉर्सेज बिफोर द कार्ट, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल ये देता हूँ, क्योंकि आप सीयूईटी की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे यूजीसी या एनटीए जो भी है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को पहले क्लैरिफाई होना चाहिए कि हम सीयूईटी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। और यूजीसी ने अपनी जल्दबाजी के अंदर जो है सभी काम कर दिया और बाद में यूनिवर्सिटीज़ फंसी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि यूजीसी ने पुट द हॉर्सेज बिफोर द कार्ट, ये काम गलत किया है, ठीक है। चलिए आगे, क्राई फॉर द मून एक तरह का आइडियम है। क्राई फॉर द मून का मतलब, अब कोई चांद मांग रहे हो, अब चांद ताड़ी में तोड़ के तो ला के दे नहीं सकते, है ना, तो उस चीज़ के लिए रोना जो कि नामुमकिन है, ठीक है, तो उसे हम आइडियम में कैसे रेफर कर सकते हैं, क्राई फॉर द मून, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा कि डू नॉट क्राई फॉर द मून, ठीक है, इस तरह से। चलिए, उसके अलावा लास्ट ईडियम है विद हाई हैंड, ठीक है। ये जो ईडियम है इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ कि मान लीजिए कोई किंग है, द किंग रूल्ड इन द विलेज विद हाई हैंड। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि वो जो राजा था उसने उस क्षेत्र पर या उस गांव में राज किया या उसके राज्य में राज किया, कैसे, विद हाई हैंड का मतलब जो अपनी पावर को यूज़ करता है, कैसे, फोर्सफुली यूज़ करता है,
ठीक है, सामने वाले को अगर दिक्कत हो रही है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, अपना वर्चस्व बनाए रखेगा, गलत तरीके से अपनी पावर को यूज़ करेगा, ठीक है, अपनी जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको थोपेगा लोगों पर, तो वो चीज़ उसको हम कह सकते हैं कि विद द हाई हैंड, ठीक है। चलिए आगे, तो इस तरह से ये कुछ इडियम्स थे यहाँ पर मैंने आपको करवा दिए हैं, और अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातें जो बतानी थी आपको। पहली बात ये कि CUET वेब्स जो आपके धीरे धीरे आपको अपडेट देखने को मिल रहे हैं, कभी आपके एप्लीकेशन में अपडेट हो रहे हैं, कभी आपके कोर्सेज अपडेट हो रहे हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं, हम जो चाहते हैं कि DU का जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में जाने के लिए हम PCM या BCOM के कॉमर्स के सब्जेक्ट देखकर तो आप उसके कैसे इवैल्यूएशन कर लेंगे ना, वो चीज़ चाहते हैं, वो भी चेंज नहीं हुई है। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर आपका DU नहीं है तब तो आप एप्लीकेशन भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका DU है, ठीक है, और आपको अब आप चाहते हैं कि भैया एक बार हम थोड़ा वेट कर लेंगे, क्लैरिफाई हो जाए कि क्या पता DU की तरफ से कुछ चेंज किया जाए, ठीक है, अब होता है नहीं होता वो तो वक्त बताएगा। तो अगर आप, मैं बस ये कह रहा था, अगर आप DU का वेट कर रहे हैं तो वेट करिए, थोड़ा रुक के जो है एप्लीकेशन को आप फिल करिएगा, क्योंकि बाद में यूनिवर्सिटी या कोर्स सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब मान के चलिए कि आप 20, 22, 25 बस मैक्सिमम 25 तारीख तक का वेट करिए, उसके बाद आप अपना जो है प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा। और अभी जो अपडेट हुआ था आज या कल में 10th मार्कशीट वाला, उसे कोई आपको मतलब आपके ऊपर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसने अगर पहले भर दिया है उसको तो कोई मतलब ही नहीं है कि 10th एप्लीकेशन चाहे अपलोड है चाहे नहीं है, और जो नए एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उनको 10th की अपलोड नहीं करनी है, इतनी सी बात उसमें कही गई है, ठीक है। ये होगी एप्लीकेशन की बात। इसके अलावा बात करते हैं हम कोर्सेज कैसे सिलेक्ट करनी है, और आपको जो आप पर्सनली मैसेज करके पूछते रहते हो कि भैया ये कोर्स है वो कोर्स है, आप सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कहाँ करना है। वो चीज़ सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए कि आप थोड़ा सा और एफर्ट देने के बाद, मान लीजिए आपने दो डोमेन ले रखे थे, दो एक जनरल टेस्ट एक लैंग्वेज टेस्ट दे रखा था, आप उसके दो कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो गए। अब आप ये देखिए कि आप अगर एक और डोमेन ले लेते हैं, मान लीजिए क्योंकि BHU में अगर आप मान लीजिए BCOM करनी है मैंने, तो मेरे को दो जो है डोमेन लेने हैं। अगर मैं एक और डोमेन ले लेता हूँ अपना जो 12th में मैंने पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, BCOM वाले उसके अलावा, तो आप जो देखोगे कि आप भैया DU में भी एलिजिबल हो गए, क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट मांगे गए थे डोमेन के अंदर। तो इस तरह से आपको खुद को देखना है। अगर आप हो ही राजस्थान से या पंजाब से, आपको जाना ही नहीं है तमिलनाडु कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में, तो आप क्यों सिलेक्ट करोगे उसको, आप वो देखो जो आपको चाहिए, जो आप एडमायर कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख के इसको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करके बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो सीधा टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर दो, हम आपको हाथों हाथ बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा करेक्शन विंडो की बात की गई थी, करेक्शन विंडो हाँ यस ओपन होगी, 6 मई अगर लास्ट डेट है एप्लीकेशन क्लोज होने की, तो उसके बाद में जो है करेक्शन विंडो ओपन होगी। लेकिन मैं करेक्शन विंडो में किसी को भी ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको एश्योर नहीं कर रहा हूँ कि जो स्लॉट वाली दिक्कत है, यानी स्लॉट ऐड करना है या फिर एडिट करना है, वो चीज़ आपको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि CUET भी पहली बार हो रहा है, ठीक है, और इस तरह की करेक्शन विंडो भी पहली बार ओपन हो रही है। तो इस तरह का मैं कुछ भी आपको नहीं कह पाऊंगा कि पेमेंट वाली चीज़ बाद में करेक्शन विंडो में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी आपने एक जो है स्लॉट पर सिलेक्ट किया है, बाद में आपको एक और सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए नया पेमेंट प्रोसीजर होगा, एक आपको पेमेंट और करनी होगी, तो वो सभी चीज़ें करेक्शन विंडो में है या नहीं है, होगी या नहीं होगी, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। तो ये सभी आपके डाउट थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम पे आइए, ठीक है, नए हो तो जो है आप WhatsApp को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी और मॉक टेस्ट आपको जल्द से जल्द जो है जैसे ही एप्लीकेशन आपकी क्लोज हो जाएगी मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।